हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 10 सितंबर शुक्रवार से गणेश महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और सभी भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ घर में गणपति की स्थापना भी कर ली है। घर पर बप्पा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। उनकी आरती करके उन्हें मोदक और लड्डू का भोग लगाया जाता है ताकि गणपति की कृपा भक्तों पर बनी रहे, उनके दुख संकट बप्पा अपने साथ ले जाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं, वास्तु शास्त्र में भी कुछ चीजों का संबंध भगवान गणेश से माना गया है। ऐसे में गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ घर ले आएंगे, यानी कि अभी जो गणेश महोत्सव चल रहा है, आप इन दिनों में कभी भी इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ ले आए तो भगवान गणेश जी के साथ साथ देवी लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो जाएंगी और घर परिवार पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहेंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि गणेश उत्सव के इन दिनों में आप कौन सी चीज़ घर पर लेकर आएं ताकि गणेश जी के साथ साथ भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। साथ में मैं आपको एक खास जानकारी भी दूंगी कि घर पर गणेश स्थापना के बाद आपको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, गणेश पूजा के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा, ये आपका अपना चैनल है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। 10 दिन तक चलने वाले गणेश महोत्सव में गणपति को 10 दिन के लिए घर में स्थापित किया जाता है। अगर कोई चाहे तो एक दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए भी बप्पा को रखा जा सकता है। बप्पा का विसर्जन 19 सितंबर अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाएगा। विघ्नहर्ता गणेश जी की स्थापना शुभ मुहूर्त के हिसाब से की जाती है। जहाँ कुछ लोगों ने गणेश स्थापना कर ली होगी, वहीं कुछ लोग शुभ मुहूर्त के हिसाब से अभी भी गणेश जी का घर में स्थापना कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, घर में बप्पा के विराजमान होने के बाद आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जब तक गणपति घर पर विराजे हैं तब तक आप इन बातों का खास ख्याल रखें। नंबर 1, लहसुन और प्याज न खाएं। जी हाँ दोस्तों, घर में गणपति की स्थापना के बाद कई नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो बप्पा रुष्ट हो जाते हैं। जब तक आपके घर में बप्पा विराजमान हैं तब तक घर में प्याज और लहसुन न खाएं और न पकाएं। नंबर 2, गणेश जी को पहले भोग लगाएं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि घर में बप्पा के विराजमान होने के बाद कई बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर आप घर में जो कुछ भी खाएं, पहले उस चीज़ का भोग बप्पा को जरूर लगाएं, फिर भले ही वो पानी हो या खाना हो। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले बप्पा को भोग जरूर लगाना है। नंबर 3, भगवान गणेश को अकेला न छोड़ें। धार्मिक मान्यता है कि घर में गणेश भगवान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको कहीं जाना भी है तो कम से कम परिवार का एक सदस्य गणपति जी के पास जरूर उपस्थित रहे। नंबर 4, जुआ न खेलें। गणपति जी को स्थापित करने के बाद घर में या घर के बाहर जुआ आदि खेलने की मनाही होती है। ऐसा करने से लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति को जिंदगी में कई आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, नॉनवेज और शराब से बनाएं दूरी। दोस्तों, घर में गणपति की स्थापना के बाद
घर और खुद दोनों को शुद्ध रखना जरूरी है। ऐसे में मांस मदिरा का सेवन ना करें, न बाजार में खाएं। इतना ही नहीं, गणपति के घर पर रहने तक शराब भी नहीं पीनी चाहिए। इसके अलावा आप थिंक पॉजिटिव रखें, सकारात्मक सोच रखें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें। कहते हैं कि गणपति स्थापना के बाद जो भी सोचें तो पॉजिटिव ही सोचें। इस दौरान आप किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, किसी तरह की गंदी भाषा का प्रयोग ना करें। किसी भी व्यक्ति को इस दौरान मतलब शांत रहना चाहिए, घर का माहौल शांत बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए गणपति आपके घर में उपस्थित हैं। ऐसे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस घर का माहौल अच्छा बनाए रखें, पॉजिटिव सोचें और शुद्धता का ध्यान रखें। इसके अलावा आप ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूर करें। गणपति को घर में लाने के बाद आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, जब तक आप गणपति का विसर्जन नहीं कर देते हैं। तो ये तो थे कि गणपति स्थापना के बाद आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। अब जानते हैं कि इन मतलब गणेश जी के इन महोत्सव के दिनों में आप घर में ऐसी कौन सी चीज़ लाएं जिससे कि भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। नंबर एक, गणेश जी की नृत्य करती हुई प्रतिमा लाएं। धार्मिक दृष्टि से गणेश जी की नृत्य करती हुई प्रतिमा को घर में रखना शुभ माना जाता है। खासतौर से धन संबंधी मामलों में ऐसा माना जाता है। अगर आप आज के दिन या मतलब 10 दिनों के दौरान कभी भी गणेश जी की नृत्य करती हुई प्रतिमा रखेंगे तो ये घर के लिए और घर के सभी सदस्यों के लिए शुभ होगा, क्योंकि भगवान गणेश जी को भी नृत्य से बहुत ही लगाव है, म्यूजिक से बहुत ही वो इम्प्रेस होते हैं, खुश होते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि प्रतिमा को इस तरह से रखना चाहिए कि गणेश जी की दृष्टि मेन गेट की तरफ हो। नंबर दो, घर में रखें बांसुरी। कहते हैं कि घर में बांसुरी रखने से लक्ष्मी का वास बना रहता है। बांसुरी से घर के वास्तु दोष तो दूर होते ही हैं, साथ ही धन पाने के योग भी बनते हैं। तो ऐसा मतलब आपको करना चाहिए, आप जिंदगी भर धन की कमी महसूस नहीं करेंगे अगर आप घर में बांसुरी रखते हैं तो। इसके अलावा आप एकाक्षी नारियल ले आएं। कहते हैं गणेश चतुर्थी के दिन से और इन 10 दिनों के महोत्सव में अगर आप घर में एकाक्षी नारियल ले आते हैं तो घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। एकाक्षी नारियल इतनी आसानी से बाजार में नहीं मिलता है, लेकिन अगर किसी को मिल जाए तो उसे संभाल कर रखना चाहिए। इसे घर में रखने से नेगेटिविटी नहीं रुकती है, घर में पॉजिटिविटी आती है। इसकी नियमित रूप से पूजा भी जरूर करनी चाहिए, इसकी पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप मंदिर में शंख रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार शंख में वास्तु दोष करने की अद्भुत शक्ति होती है। कहते हैं कि जिस घर के मंदिर में शंख की स्थापना की जाती है वहाँ देवी लक्ष्मी खुद निवास करती हैं। इतना ही नहीं, घर में देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों, आप कुबेर की प्रतिमा ले आएं। गणेश महोत्सव के इन 10 दिनों में आप घर में कुबेर की प्रतिमा लाएं। उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर को धन का स्वामी माना जाता है। कहते हैं कि लक्ष्मी जी के साथ अगर इन्हें प्रसन्न कर लिया जाए तो फिर उस घर में लक्ष्मी जी धन की बरसात कर देती हैं। घर में कुबेर की प्रतिमा उत्तर दिशा में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। आपका लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में इस जानकारी को शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इस चैनल पर हर तीज त्यौहार की व्रत कथा और उपाय और वास्तुशास्त्र से भी जुड़ी ये जानकारी आपको देती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए और इन वीडियोस को देख करके आप भी लाभान्वित होइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरिया।